जैसे कि आप लोगों ने चौचास के एपिसोड में देखा, यहाँ पर हम लोग को एक लेडी मिल जाती है एंड वो लेडी हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैप देती है एंड स्क्रैप्स लेके हम लोग वहाँ से फटाफट निकल लेते हैं। वहाँ से हम लोग भाई जैसे निकलते हैं वहाँ पर हम लोग को एक टकलू मिलते हैं। टकलू दादा हम लोग को यहाँ पर एक की देते हैं, वो हम लोग को बताते हैं क्योंकि चेस्ट उनसे ओपन नहीं हो रही है क्योंकि उनका दिमाग कम है। एंड हमने उनकी चेस्ट को भाई फटाफट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई आधा घंटा एक घंटा लगा के भाई हमने उनकी चेस्ट को फाइनली ओपन कर दिया। एंड उनकी जब चेस्ट ओपन हो गई तो खुशी के मारे वो उछलने लगे एंड खुशी के मारे उन्होंने बहुत स्क्रैप दे दिए। एंड स्क्रैप्स लेके भाई हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं और जैसे हम लोग वहाँ से स्क्रैप्स लेके निकलते हैं भाई वहाँ पर भाई हम लोग को मिल जाते हैं एक और अंकल एंड भाई उनके अंदर हम लोग जाते हैं तो उनका घर भाई जल रहा होता है बहुत ही बुरी तरह। एंड वो हम लोग को कहते हैं कि भाई इस घर को बुझा दो एंड उससे भाई एक बहुत ही बेहतरीन गन ले लो। तो हम लोग जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके उन घर को भाई बुझा देते हैं एंड वो हम लोग को फ्लेम थ्रोअर गन दे देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पर्सन के पास, फटाफट वहाँ पे चलते हैं एंड भाई देखते चल के हम लोग को भाई क्या देते हैं या फिर भाई कुछ भाई स्क्रैप्स हम लोग को चाहिए कि भाई यहाँ पर हम लोग के पास स्क्रैप्स बहुत ही कम है, ज़्यादा स्क्रैप्स नहीं है। अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्क्रैप्स की यहाँ पर ज़रूरत है तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन लोगों से बहुत थोड़ा सा दूर है एंड वहाँ पर फटाफट चलते हैं एंड देखते चल के वो हम लोग को भाई क्या देता है। भाई अगर वो हम लोग को कोई स्क्रैप्स देते तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी हमें अपनी ट्रेन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है बहुत ही ज़्यादा। हम लोग की ट्रेन ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, बहुत ही कम ग्रेड है एंड यहाँ पर चौचो चास ने हम लोग के ऊपर बीच में हमला भी कर दिया था जिससे हम लोग की जो ट्रेन की जो हेल्थ है ना वो भी भाई बहुत ख़राब हो चुकी है एंड भाई सब कुछ जो भी मतलब हम लोगों ने स्क्रैप स्क्रैप लिए सब जा चुके हैं, बहुत ही कम स्क्रैप है। अभी हमारे पास इतना स्क्रैप्स है कि चौचो चास दोबारा आता है तो बस उससे भाग सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग के पास भाई दो गन हो चुकी है एंड फ्लेम थ्रोर हो चुके हैं एंड तो भाई हम लोग का शुरुआत से एक गन है एंड फ्लेम थ्रोर यहाँ बहुत मस्त गन है जिससे भाई हम लोग आराम से चौचो चास हम लोग के पास आएगा तो उसके बाद पिछवाड़ा जला के हम लोग उसको मार सकते हैं। तो ये गन यार बहुत है मस्त है बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भाई जैसे चौचो चास यहाँ पर आता है एंड मेरा मोबाइल बहुत ही बुरी तरीके से लैग मारता है तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको मारूंगा भाई, अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं उसको कैसे मारे चौचो चास को। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तो हम लोग को यहाँ पर लोकेशन के बिल्कुल पास में तो यहाँ पर हम लोग की ठीक थोड़ा सा आगे नहीं थोड़ा सा पीछे यहाँ पर एक पर्सन है उससे हम लोग मिलते हैं एंड देखते हैं कि वो हम लोग को क्या देता है, स्क्रैप्स देगा या फिर क्या देगा भाई। चलो तो यह रहा उसका घर उस पर्सन का एंड चलते हैं भाई इससे मिलते चल के। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई लेडी बैठी हुई है, मैं दूर से देख लिया भाई चील की निगाहें एंड यहाँ पर स्क्रैप पड़ा हुआ भाई स्क्रैप भाई ये लोग देखो ऐसे ही फेंक देते हैं, बहुत ही कीमती चीज़ है यार ये। एंड यहाँ पर लेडी से भाई मिलते देते क्या कहती है मुझसे भाई आराम से बैठी हुई है तो देखते हैं भाई ये क्या बोलती है इसके भाई सुनते हैं बात dispersed around the island are three okay तो भाई ये हमसे कह रही है कि यहाँ पर आइसलैंड में हम लोग को तीन एग्स ढूंढने पड़ेंगे एंड वो एग्स को ले जाके हम लोग को एक टेंपल के अंदर ले जाना है एंड वहाँ पे जाके हम लोग चौचो चार्ल्स को स्पॉन करना है एंड उसको उठा के पटक देना मतलब उसको मारना है गिरा गिरा के। तो वो एग्स के लिए उनमें से ये बताएगा कि इन्हें इसमें से एक जो एग की जो माइन है ना वो उसको पता है कहाँ पर है एंड ये मुझे उसकी की दे रही है लेकिन उस माइन के अंदर भाई गार्ड्स हैं यार भाई ये सबसे खराब बात है मतलब जो माइनिंग का जो वहां पर जो वहां का हेड है ना उनने माइनिंग के अंदर गार्ड रखे हुए भाई वो मेरे को मारेगा गिरा गिरा के। एंड ये रहा वो टेंपल जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस टेंपल में हम लोग को आखिरी में जाके चौचास को स्पॉन करके मारना है एंड अभी मैं यार कैसे उस माइन में जाके उस अंदर जाके मुझे भाई फाइट लेनी पड़ेगी भाई गार्ड से एंड यार मेरा मोबाइल इतना लैग मारता है मैं कैसे फाइट करूँगा। यहाँ मेरे कोई गन्स भी नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा माइन के बाहर आकर मुझे उसको अपनी ट्रेन से ही मारना पड़ेगा तो यार ये यार मैं बहुत ही बुरा हुआ है भाई समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। तो अभी हम लोग फटाफट माइन पर चलते हैं, अब भाई जो भी होगा देखा जाएगा यार वरना भाई मैं तो दिमाग लगाऊंगा कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा भाई अंदर कुछ। देखो माइन के अंदर तो हम लोग चले जाएंगे लेकिन जो बंदा है ना वो बहुत तेज़ भागता है एंड भाई अपने भाई मोबाइल की इतनी औकात नहीं है कि हम लोग जाके भाई वहाँ पर जाके फाइट ले सकें और जो वहाँ पर जो गार्ड है ना वो तो हम लोग गिरा गिरा के मारेंगे। तो यहाँ पर भाई हम लोग माइन पर पहुँचने वाले हैं एंड यहाँ पर भाई हम लोग माइन पर पहुँच चुके हैं तो माइन यहीं पे सामने है तो यहाँ मुझे एक घर भी दिख रहा है तो फटाफट पहले हम लोग चलकर उस घर में कुछ स्क्रैप्स ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर लोग मरेंगे ज़रूर क्योंकि भाई गार्ड्स को इतने प्रो तो नहीं है भाई कि हम लोग गार्ड्स को मार लें और भाई जितने बंदे यहाँ पर चिकी एम एचो चार्ल्स खेलते हैं ना वो इस टाइम देख के हैरान हो रहे होंगे कि भाई तोकी भाई कैसे मतलब कैसे जाएंगे अंदर और कैसे गार्ड से फाइट करके भाई लेकर आएंगे उस एग को। भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट यार हो चुका है बहुत ही ज़्यादा एंड यहाँ पर दिल की धड़कनें धक धक हो रही हैं कि कैसे मैं जाऊँगा अंदर और भाई उस एग को लेके आऊँगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ये सोचते कि भाई नामुमकिन है क्योंकि
फ़ोन भाई इस लायक होता ही नहीं है कि अंदर देखे हम लोग बाहर आ जाए इतनी भागते स्पीड में एंड ट्रेन में जाके मार सके। तो मान लो ये रही वो माइन, तो भाई फटाफट हम लोग को इस माइन को खोलना है। एंड यहाँ पर भाई थोड़े बहुत स्क्रैप्स मुझे और मिल जाए तो अच्छा रहे, दोबारा मुझे ज़िंदा भी होना है मर के यार। तो इसको फटाफट ओपन कर देते हैं। एंड यहाँ पर लालटेन रखी हुई है, और कुछ है क्या यहाँ पर भाई? कोई वेपन मिल जाए तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं है भाई, दूर दूर तक की कोई वेपन नहीं है। तो भाई फटाफट इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया है, हम लोग को चलना है इस माइन के अंदर। भाई जो भी को मुझे गेम बहुत अमेजिंग लग रहा है, मुझे कसम से बहुत। और ये स्क्रैप पड़ा हुआ भाई, स्क्रैप ले लो फटाफट यार। तो यहाँ पर मैंने स्क्रैप ले लिए हैं भाई। ये माइन को देख लो ना भाई, इस माइन से हम लोग को भागते हुए वापस आना है भाई। मैं कैसे भागते हुए आऊँगा भाई, चल तक कि पाता नहीं भाई, सही से भाग के कैसे आऊँगा? ओह भाई बहुत ही बड़ा लोल होने वाला है मेरे साथ यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये कागज़ जैसा क्या पड़ा हुआ यार भाई, तो देख लेते पढ़ के। मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं यार भाई, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो मेरे कॉइन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई जो भी लिखा हुआ है हमको क्या करना है? वैसे यहाँ पर कोई, यहाँ पर जो इस कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है ना इस माइन का, उसने ही कुछ लिख के रखा है भाई। हम पढ़ेंगे नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है भाई, कॉइन ख़त्म हो जाएंगे भाई। तो फटाफट चलते हैं भाई हम लोग भाई माइन के अंदर फुल स्पीड में। एंड यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं हम लोग को, पहले सीधे चलना चाहिए ठीक है, सीधे एंड सीधे यहाँ पर चलने। और यहाँ पर तो भाई रास्ता ख़त्म हो रहा है, पर यहाँ पर राइट हैंड तरफ तो भाई रास्ता जा रहा है, तो इधर चलते हैं हम लोग। भाई कितनी बड़ी माइन है भाई, मुझे भागते हुए वापस भी आना है, मैं कैसे भागूंगा यार, ये तो बहुत ही बड़ी माइन है। तो फटाफट लैंड, यहाँ पे लगता है एग आने वाला है भाई। दिल की धड़कने तेज धक धक हो रही, क्या भाई एग लेके बाहर आ पाएंगे कि नहीं भाई? फटाफट चलते हैं यहाँ पे भाई। अगर वो गार्ड यहीं आसपास हुआ ना, वो तो भाई मेरे को गन से शूट कर देगा, मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, एक गन तो होना चाहिए इस गेम में यार, क्या यार भाई क्या गुंडा बनेगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, एंड यहीं पर मुझे देख के रहना है कि यहाँ पर कोई गार्ड ज़रूर होगा भाई। एंड यहाँ पे सीटी की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी पहले ही। ओ भाई ये सीटियाँ की आवाज़ आ रही है, मतलब गार्ड यहीं आसपास कहीं है। मुझे अंदर चलना चाहिए कि नहीं भाई? चलते अंदर, शायद गार्ड उधर तरफ देख रहा होगा। मैं चुपके से भाई ऐग उठा के भाग जाऊँगा। तो गार्ड किधर है? इधर तो वैसे भी कोई नहीं दिख रहा मुझे, लगता है गार्ड भाई देख लिया। भागो 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 भाई, मरा मरा भाई, मरा भाई। अरे यार भाई देख रहे हो कितना लैग हो रहा है यार, मैं कैसे जाऊंगा बाहर भाई? मर, मैं पहले ही मर जाऊंगा भाई। यहाँ से फटाफट मुझे भागना चाहिए भाई, ये यार पीछे से शूट कर रहा है भाई। एक बार मुझे जाने दे बाहर, तो छोड़ूंगा नहीं भाई, छोड़ूंगा क्या यार, पता नहीं क्या होगा। इनसे फटाफट भागते भाई जम करके भाई, जल्दी जल्दी फटाफट फुल स्पीड में यहाँ से हम लोग को भागना है। एंड वो मेरे ठीक पीछे पड़ चुका है यहाँ पे, ओ भाई वो गन चला रहा है भाई, अंधा चुक्की भाई, वो भी मैं इतना नूबड़ा है, अंधा चुक्की चला रहा है। अगर उन्हें, अरे भाई मार दिया पीछे पहाड़े पे। भागो 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 भाई यार, भागे रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ पर। ये माइन में बीच बीच में तो ये सब लगा हुआ है भाई, देखो ना मैं कैसे भाग रहा हूँ यार। यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो रही है भागने में भाई, फुल स्पीड में यहाँ पर भाग रहा हूँ मैं। भाई जल्दी भेज, मैं जैसे ज़्यादा लेकिन भाई फिर पीछे से मार दिया यार इसने, यार ये मेरे को पहले ही मारेगा भाई। मेरे को ट्रेन तक तो पहुंच जाने दे नूबड़े भाई, ट्रेन तक ही पहुंच नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भी फाइनली हम लोग ट्रेन पे पहुंच चुके हैं, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भाई, आ जा तो शूट कर दूंगा भाई। अब आ जा भाई, तू आ जा। अरे यहाँ पर मेरे पास और कुछ तो स्क्रैप भाई नहीं है मेरे पास, स्क्रैप तो मैं लूटे थे ना भाई। आ जा भाई, आ जा, आ जा भाई, रुक रुक, आ जा सामने, आ भाई सामने, ये ले। ओए भाई ये इतना जरा सा तो इसके भाई एम नहीं जा रहा मेरा। अब भाई मैं मरूंगा भाई, पक्का मरूंगा, नीचे निशाना नहीं जा रहा भाई। भाई ये गलत है यार, ये गलत सीन हो रहा है भाई, मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ, ये मेरा मजाक भाई मार दिया इसने यार। भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई हमारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, क्योंकि भाई फ़ोन में खेलने में यहाँ पर भाई हालत ख़राब हो रही है। अब भाई लोग, हम लोग दिखाने वाले दिमाग, हम लोग बिना फायर करके अंदर से जाके एग लेके आएंगे। अब आप लोग सोच चुके बिना फायर करके कैसे एग लेकर आओगे, तो वो अब चलते हैं भाई, देखते हैं अंदर चल के भाई, कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर होगा। एंड अगर फाइट की बात आती है तो मैं इस बंदे को नहीं मार पाऊंगा गारंटी से, क्योंकि जो एम है ना वो नीचे नहीं जा रहा है भाई फ़ोन में, क्योंकि जो फ़ोन की सेंसिटिविटी होती है वो इस लायक नहीं है कि हम लोग अपने जो स्क्रीन को ना फटाफट घुमा सके। तो भाई पीसी नहीं है अपने पास, तो अभी हम लोग को जाना है एग को भाई, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के फटाफट लाना है। या तो कोई पीछे से कोई रास्ता होना चाहिए, पर यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। उधर तरफ भाई मैं गया था, उधर तरफ भाई चेस्ट रखी हुई है खाली, एंड उस चेस्ट में भाई मुझे पता है पैंट ही निकलेगा, तो मैं नहीं जाऊँगा उसके अंदर। तो यहाँ से फटाफट चलते हैं, मुझे कुछ ना कुछ करके भाई अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, और बिना फाइटिंग करे मुझे एग लाना पड़ेगा भाई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है, एंड दिल मेरा बहुत ही तेज धक धक हो रहा है भाई। अब मुझे यहाँ पर वेट करना है, जो यहाँ पर जो मैंने अभी तक की मैं मतलब तीन बार मर चुका हूँ, वैसे मैंने स्किप कर दिया है, मैं यहाँ पर तीन बार मर चुका हूँ। एंड यहाँ मैं इतना समझ गया हूँ कि यहाँ पर तीन गार्ड्स, तीन या तो
तीन गार्ड्स तो मेरे हिसाब से हैं, यहाँ पर एक गार्ड निकल चुका है एंड मुझे यहाँ पर वेट करना है कि यहाँ पर दो गार्ड और निकल जाए। जैसे ही तीन गार्ड्स यहाँ से निकलते हैं मुझे तीसरे वाले के ठीक पीछे चलना है। तो यहाँ पर अभी एक गार्ड निकल चुका है ना, अभी दूसरा गार्ड भाई निकल जाए, ठीक है, दूसरा गार्ड निकले फिर यहाँ पर तीसरा गार्ड आएगा और मुझे तीसरे गार्ड के पीछे निकलना है, पीछे पीछे भाई। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो मुझे भाई उठा कर पटक दिया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा गार्ड यहाँ पर आ चुका, या तो दूसरा गार्ड है या तो ये पहला ही गार्ड घूम रहा है मेरे साथ। मेरे साथ तीन ही गार्ड है भाई, अभी तक कि मैं इतनी बार आया हूँ तो मुझे तीन ही गार्ड यहाँ पर लगे हैं। दूसरा गार्ड यहाँ पर निकल चुका है एंड ये रास्ता घूम फिर के इधर ही आता है भाई। तीसरा गार्ड आ रहा है भाई, लगता है भाई तीसरा गार्ड आ जा भाई जल्दी से, और मुझे इसके पीछे निकलना है भाई। इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ना, मुझे इसके पीछे से जाके एग उठाना है एंड इसके पीछे पीछे धीरे धीरे स्लो स्लो आना है भाई। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है यार भाई, सब लोग देख के हैरान हो जाओगे भाई क्या करने जा रहा है तौकीर भाई तुम्हारा। भाई ये आ रहा है भाई, दिल धक धक हो रहा है, जाने दो भाई, ये जा रहा है धीरे धीरे। अब मुझे ठीक इसके पीछे निकलना है भाई, इसके ठीक पीछे पीछे, वो भी एकदम धीरे धीरे भाई, बिल्कुल भी भाई मुझे हलचल नहीं करनी है। अगर मैंने जरा सी भी हलचल कर दी ना तो भाई मैं गया पक्का, ये मेरे हेडशॉट मार देगा। तो फटाफट मुझे यहाँ से निकलना है भाई धीरे धीरे एंड वो भाई निकल गया, वो जा रहा है भाई, वो जा रहा है भाई। फटाफट मुझे एग उठाना है एंड यहाँ पर मैंने एग उठा लिया भाई, उठा लिया एग एंड यहाँ से मुझे ठीक सामने जाना है और घूमना है भाई। चलो भाई धीरे 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 वो मेरे सामने जा रहा है भाई, यहाँ से धीरे से निकलना है। ओ भाई यहाँ से निकल लिए भाई, धीरे 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 चलते भाई। अब वो जाके एग देखेगा और वहाँ पे एग होगा ही नहीं एंड वो यहाँ पे सोचता रहेगा कि आखिर एग उठा के भागा कौन और वो कहाँ जाएगा, उसको यही समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर एग ले लिया है, मुझे फटाफट भाई जल्दी से जाकर ट्रेन को लेकर भागना है। अगर ये मेरे पीछे पड़ गया ना तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस मुझे इस माइंड से बाहर निकलना है। अब वो मुझे मारे चाहे ना मारे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इस माइंड से बाहर निकलना है। मैं माइंड से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरा मिशन सेफ हो जाएगा एंड जो एग है ना वो मेरे पास आ जाएगा। तो तुम लोगों में से जिन बंदों ने लाइक नहीं करवाया लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। इतना ज़्यादा दिमाग भाई किसी के पास नहीं होगा भाई, बिना फाइट करे माइंड में से मैं एग निकाला है भाई, मैं जीनियस हूँ यार भाई, मज़ा आ गया। जो भी को यार ये गेम क्या गेम है भाई, मज़ा आ गया भाई। गेम के पास जितना भी दिमाग हो पर तो फिर भाई सदन नहीं होगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हम लोग, तो बोलो मज़ा आ गया जो भी को। तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने एग को ले लिया है भाई, अब इतना ज़्यादा भाई सुकून मिल रहा है ना, बिना फाइट करे बिना कुछ करे भाई। चिकी इम्यूलेटर वाले बंदो देख लो यार भाई, दिमाग होना चाहिए। और यहाँ पर फाइनली अपने पास एक एग आ चुका है ग्रीन वाला, अभी हम लोग को दो एग और चाहिए। अब दो एग मैं कैसे लूँगा वो मुझे नहीं पता, एक एग तो मैंने ले लिया, अब दो एग कैसे लेंगे भाई वो तो नहीं पता। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी हम लोग को जाना है नेक्स्ट पर्सन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट पर्सन क्या देगा। एंड उससे पहले भाई हम लोग को यहाँ पर भाई ट्रेन की पटरियों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे ही नेक्स्ट पर्सन है। तो ट्रेन की पटरियों को फटाफट यहाँ से चेंज कर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे भी आ चुके हैं तो थोड़ा सा ट्रेन को हम लोग को पीछे भी करना पड़ेगा, तो इसको फटाफट पीछे करते हैं ट्रेन को। तो इसको मैंने यहाँ पर पीछे कर दिया है, अभी हम लोग को आगे जाना है भाई। जो भी हो ना भाई मज़ा आ रहा है, जो भी हो भाई जिन जिन बंदों को मज़ा आ रहा है ना प्लीज़ भाई लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसी मोर अमेजिंग गेम प्ले के लिए। अगर आपको और भी गेम पसंद है तो भाई उनको कमेंट में नाम ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट पर्सन के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा और एंड हम लोग पहुँच जाएंगे बस। इधर भाई वो एकदम कोने में खड़ा हुआ है एंड यहाँ पर स्क्रैप्स का बॉक्स पड़ा हुआ है भाई, हमको स्क्रैप भी चाहिए भाई एकदम सही टाइम पे। हमको भाई पहली बार मेरे को स्क्रैप्स के बॉक्स मिले, वरना मैं बॉक्स को लेता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। अरे मुझे दिखते ही नहीं, मैं इतनी स्पीड में ट्रेन चलाता हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ। तो फटाफट यहाँ से हम लोग को भाई स्क्रैप कितने ज़्यादा है यहाँ पे, ओए भाई गजब यार, इतने स्क्रैप तो भाई मिशन वाले भी नहीं देते भाई, हाँ मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा देते हैं बोलो। तो यहाँ पर मुझे स्क्रैप्स के बहुत सारे स्क्रैप्स मिल चुके हैं और यहीं पर नीचे ही वो बंदा है जो हम लोग को भाई मिशन देगा, तो इसके पास फटाफट चलते हैं यहाँ पे भाई भागते हुए जल्दी जल्दी भाई। वो नीचे की ओर आई है एंड वो किधर है भाई, बहुत ज़्यादा नीचे है भाई एंड यहाँ पर एक घर है भाई, यहाँ पर एक घर है भाई, यहाँ मुझे स्क्रैच मिल सकते हैं, मुझे नीचे देखते हुए चलना है भाई नीचे भाई ध्यान से। मुझे यहाँ पर स्क्रैच भाई कहीं दिख तो नहीं रहे, यहाँ पर स्क्रैच होने चाहिए भाई, हर बार यहाँ पर नीचे स्क्रैच पड़े होते हैं यार नहीं है। एंड यहाँ पर हम लोग कहाँ आ गए भाई, कोई दिख तो नहीं रहा है, वो रहा भाई वहाँ पर वो खड़ा हुआ है कोई, उससे मिलना जाके। तो देखते हैं भाई ये हम लोग को आखिर क्या मिशन देगा भाई, ये पता है भाई फ्री में तो कुछ नहीं देगा भाई, जैसे उस लेडी ने हम लोग को फ्री में स्क्रैप दिए थे। तो यहाँ पर देखते हैं ये हम लोग को आखिर क्या बताने वाले, इनकी बात सुनते हैं। ओ माई गुडनेस इनकी बात सुनते हैं भाई लोग।
तो ये ज़्यादा देर तक की इस आइसलैंड पे नहीं रुकने वाले, हम लोग को इनका एक काम करना है। तो ये अभी बोर से निकलने वाले, पर ये चाहते हैं कि बोर से निकलने से पहले इनकी एक चीज़ है जो कि एक भाई दूसरी जगह पर भूल जाए हैं, तो वहाँ पे हमको जाना है एंड इसकी एक चीज़ को लाना है। अब ये भाई हमारे जो मैप है ना, वहाँ पर ये उस जगह को पिन कर रहे हैं, हम लोग को वहाँ पे जाना है और इनका सामान लेकर आकर इनको देना है। उसके बदले में ये हमको बहुत सारे स्क्रैप देंगे। और इन्होंने हमारे मैप पे वो जगह भाई पिन कर दिए और जहाँ वहाँ पर जाके इनका सामान लाना है। तो ठीक है भाई, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, इनका सामान लेंगे, इनको दे देंगे। और इनकी भाई ये बता रहे हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा फट रही है यहाँ से निकलने में, तो यहाँ पर वो चांस नहीं आ सकता, वो सिर्फ मतलब खुले में आता है, यहाँ बंद में तो नहीं आएगा। तो ये बंद में अभी खड़े हुए हैं, अगर ये यहाँ से निकलेंगे चोचा उनको मार देगा, तो बहुत ज़्यादा फट रही है। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ट्रेन है तो तुम जा सकते हो, लेकर आ सकते हो, ये उसके बदले मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रैप देंगे। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं स्क्रैप से भी ट्रेन को अपग्रेड करूँगा, चोचास को मारूंगा, तो फ़ायदा तो इनका ही होगा भाई, फालतू में मुझे मिशन क्यों देते हो, तो मुझे हैंड टू हैंड स्क्रैप दे दो यार। चलो भाई, हमको यहाँ पे फ्री में स्क्रैप पड़े हुए तो मिल रहे हैं, अब इनका भाई मिशन भी कर लेते हैं, अगर भाई ईजी होगा तो कर लेंगे, कठिन होगा तो नहीं करने वाले भाई। वैसे स्क्रैप मुझे मिल गए बहुत सारे पड़े हुए, बॉक्स में ही मुझे बहुत सारे स्क्रैप मिले, एंड यहाँ पे जो ये अंकल जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्क्रैप मिल चुके हैं। तो हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए फटाफट। भाई थैंक यू, मुझे यहाँ से स्क्रैप मिल गया। भाई इसके अंदर जा सकते हैं क्या? अगर इसके अंदर जा सकते हैं मुझे स्क्रैप मिलेंगे। ओ भाई वेरी गुड, इसके अंदर भाई जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर मुझे स्क्रैप ज़रूर मिलेंगे 110%। भाई यहाँ पर तो नहीं स्क्रैप है, इधर भी नहीं है। ओ भाई सामने यहाँ पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ मुझे एक स्क्रैप पड़ा, भाई घर में तो कम से कम 4-5 स्क्रैप होते हैं, पर ये तो भाई पैदाशी गरीब है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे एक स्क्रैप मिल चुका है। अब यार एक ही स्क्रैप बहुत होता है, मुझे यहाँ पर एक स्क्रैप मिल चुका है, चलो भाई एक स्क्रैप बहुत है। तो यहाँ से फटाफट चलते हैं भाई अपने ट्रेन के पास में। भाई मुझे थोड़े से स्क्रैप्स और मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, मुझे नीचे देखते हुए चलना है। क्योंकि भाई देखो, मैंने अब तक ये ध्यान दिया है कि भाई यहाँ पे जहाँ पर मिशन मिलता है ना, उसके आसपास बहुत सारे स्क्रैप्स पड़े होते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे जाके हम लोग स्क्रैप इकट्ठा कर सके, इसलिए स्क्रैप पड़े होते हैं। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे स्क्रैप्स भाई ज़रूरी पड़े होंगे। एक तो स्क्रैप चमकते नहीं है, जब उनके पास चले जाओ एकदम ठीक सामने है, जब उनको देख लो तभी वो चमकते हैं, ऐसे चमकते भी नहीं है। तो यार पूरी आँखें ध्यान से लगा के देखना पड़ता है। तो अभी हम लोग भी ट्रेन के पास चलते हैं एंड नीचे भी देखते हुए चलना है भाई स्क्रैप। अगर आप लोगों को स्क्रैप कहीं दिखे तो बताना, मैं तो स्क्रैप देख ही रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लोकेशन भी देखनी है। भाई यहाँ पर चोचो चास आ गया ना, वो तो भाई मेरा कचुम्बर बना देगा भाई। भाई चोचो चास यहाँ पर आना मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। फटाफट यहाँ से चलते हैं एंड यहाँ पर अपने पास 8 स्क्रैप्स मैंने यहाँ से लूट लिए। 8 स्क्रैप्स में मैं अपनी स्पीड मतलब अपनी ट्रेन का जो स्पीड है ना, वो सोच रहा हूँ बढ़ा दूँ, या तो देखते हैं क्या बढ़ाते हैं, जो अपनी ट्रेन में सबसे ज़्यादा कम होगा ना उसको बढ़ा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्क्रैप्स पड़े हुए जरूर होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं स्क्रैप है कि नहीं। भाई स्क्रैप जरूर होंगे यहाँ पर, मेरे पास 8 स्क्रैप्स हो चुके हैं और यहाँ पर एक स्क्रैप मुझे समझ दिख गया है। तो यहाँ से जम करके जाते हैं, स्क्रैप को फटाफट उठा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक स्क्रैप मिल चुका है फ्री का, और भी स्क्रैप चाहिए भाई, स्क्रैप बहुत ज़रूरी है भाई, स्क्रैप को नहीं छोड़ने वाले। एंड यहाँ पर आगे तो स्क्रैप नहीं दिख रहे, मेरे हिसाब से एक एक स्क्रैप यहाँ पड़ा हुआ है, इधर भी देख लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं कोने में स्क्रैप ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर तो नहीं है, इधर भी नहीं है भाई, इधर भी नहीं है। चलो अब लोग भी ट्रेन पे चलते हैं भाई, चलते हैं भाई जिस जहाँ पर इस बंदे ने लोकेशन बताई है उस लोकेशन में चलते हैं। और यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं ट्रेन में क्या चीज़ मिसिंग है, पहले ट्रेन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर चेक करते हैं आखिर ट्रेन में क्या चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का हेल्थ कम है, तो हेल्थ को बढ़ा देते भाई, हेल्थ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ नहीं होगी तो भाई ये चलेगी भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा, गन की फायरिंग तक की नहीं होगी। तो यार हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैंने हेल्थ बढ़ा दी, थोड़े से मैंने स्क्रैच बचा लिए हैं, क्योंकि अब चौचालीस आ गया तो मुझे उठा के पटक देगा, बाद मुझे स्क्रैच की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो वेल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई एक और यहाँ पर मिशन रास्ते में पड़ रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं भाई, मतलब देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दो दो मिशन हम लोग एक साथ कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब दो दो मिशन। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं ये हमको क्या बताते हैं, चल के इनसे पूछेंगे, तो इनका मिशन भी करेंगे एंड उनका भी मिशन, दोनों मिशन एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी एक लेडीज़ बैठी, भाई लेडीज़ ज़्यादा है इस गेम में, तो देखते हैं ये हम लोग को क्या बताती है भाई। डू यू नो एनी एक्सपीरियंस विद गॉड्स? भाई मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नल्ला बेरोजगार छपरी आदमी हूँ भाई, जो कि यहाँ पर आके चौदह चार्ल्स में मिशन कंप्लीट करने आया है। एंड भाई देखते हैं मुझसे क्या कहती है। तो ये मुझसे कह रही है कि भाई इसके जो हैं कुछ पेपर होते हैं, मतलब ठीक है कुछ कागज़ जैसे, तो वो ना इसने
इसको इसने मुझे एक लोकेशन बताई है, तो इस लोकेशन में जाना है बॉर्डर फील्ड पेजेस, ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉर्डर फील्ड पेजेस, एंड मुझे उस जगह पे जाना है एंड उन पेजेस को लाना है एंड इसको देना है। अगर मैं इसको पेजेस ला के दूँगा तो उसके बदले में ये मुझे देगी बहुत ही सारे स्क्रैप्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो बोलो आज के लिए बस इतना ही, मैं इसका मिशन एंड इसका अगला मिशन मैं नेक्स्ट एपिसोड में कर दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे जल्दी जल्दी अपनी सोर्स आए, ठीक है। तो वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लोग बाय बाय।